कृष्णा, देखो जब गुरु जी हम कल बता रहे थे ना, किसने गुरु जी को पूछा आप जो इतने भक्तों को प्रचार करके ला रहे हो, इसको बाद में आपको बाद में इनको कौन देखेगा। लेकिन जब ये महापुरुषों को मुखार बिंदे से जब कथा सुनते हैं, गुरु जी का सामने कैसे लग रहा है हम सत्संग से। गुरु जी ने अपना वैभव रूप में सबके सब भक्तों को उन्होंने छोड़ कर गए हम रक्षा करने के लिए। लगता है सचमुच से गुरुदेव का समाधि और सामने, जैसे गुरुदेव की डायरेक्ट कनेक्शन ये सब भक्तों के अंदर में। इसलिए इनकी कथा सुनकर तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। देखो कितने सुंदर सुंदर विचार ये लोग प्रकट करते, मैं सारी गौड़ी मठ में जाता हूँ लेकिन उनको केवल एक ही कथा केवल हर समय सुनने को मिलता है। लेकिन हमारे भक्तों के अंदर में जब जब सुना, जिसकी अंदर कथा सुना, सबके सब लगता है क्या है, पहला बार कथा सुन रहा हूँ। मैं भी सारी गौड़ी मठ में गया, जब पहले बार में मथुरा में आया, जब गुरुदेव से कथा सुनता था, मैं सोचता था हमारा सारे गौड़ी मठ में जब एक चैतन्य भागवत नहीं तो कोई जैव धर्म, उससे ऊपर और कोई कथा किसी गौड़ी मठ में कभी नहीं सुना। लेकिन जब मैं मथुरा मठ में आया, गुरुदेव से जब मैंने कथा सुनी गुरुदेव से, मैं तो सोचता था गुरुदेव से कथा कहाँ से ला रही है, कहाँ से चमत्कार चंद्रिका, हाँ प्रेम संपुट उज्जल निर्मणी, पता नहीं कौन सा ग्रंथ, विश्वनाथ ठाकुर टीका, श्री जीव गोस्वामी की 60 संदर्भ से। जब गुरु जी सचमुच से एक चिंता मणि थे, जान जाता हूँ कहता हूँ गुरुदेव सचमुच से एक पारस मणि थे। अगर गुरु जी को पास में एक बार कोई आ जाए, ध्यान से केवल उनकी कथा सुन ले और कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल उनका ध्यान से कोई अगर कथा सुन ले, हम जहाँ जहाँ जाते हैं अगर थोड़ी सी गुरु जी की विचार सुनते हैं ना, सारा दुनिया देख रह जाते हैं। कहते जरूर ये कहीं नारायण महाराज का ही लेक्चर से उनको पता चल जाता है, ये जरूर किसी ना किसी रूप में ये नारायण महाराज की संपर्क में जरूर किसी ना किसी रूप में हो। इसलिए हमने पूरा पूरा वृंदावन में हमने देखा है, हम देखा किसी गौड़ीय मठ में ना एक कोई अच्छा भक्ता मिलना कठिन नहीं। लेकिन हमारे मंदिर में देखो, जब आप तो देखोगे गुरु जी जब बैठ गए थे, करीब करीब 25-30 सन्यासी वहां पर बैठे हुए रहते थे, 30-25, और गुरु जी के मुख को ताकते रहते थे, गुरुदेव कृपा करके कब हमें थोड़ा आगे से थे कथा सुनानी। उनकी सन्यास की बात छोड़ दो, हैं उनकी जो ब्रह्मचारी है, देखो हमारे उत्तम प्रभु अभी आएंगे, बंसी वदन प्रभु को देखो, हमारे श्री विजय प्रभु को देखो, और कितने हमारे श्री अमल प्रभु और सारे ब्रह्मचारी, क्या ब्रह्मचारी जो कथा सुनाएंगे ना आप देख रहे, ब्रह्मचारियों को बात सुन दो। हमारे जो गृहस्थ में जो भक्त अभी तो सुन रहे थे रोहिणी प्रभु जी को, और हमारी हमारे पास में जो बैठे हैं, हमारे पास में जो महापुरुष बैठे हैं, आप लोग इसे जानते हो कैसे कितना सुंदर ये कथा सुनाते हैं, हाँ जो, और जिस समय इनकी बल्कि इनकी गृहस्थ की बात छोड़ दो, हमारे जो धीरे कृष्ण प्रभु बैठे हुए मंदिर में, तो ब्रह्मचारी है इनकी बात छोड़ दो, जो हमारे जो गुरु जी की जो माताएं, एक एक जो माताएं जो कथा सुनाती है, आश्चर्य की बात है, हाँ छोटे छोटे बच्चियां जो कथा सुनाती, यहाँ पर एक रत्ती मंजिल एक भागवत कथा करती है, एक एक सविता जैसे कथा करती, और श्याम रानी जैसे कितना ऐसे कितने सब माताएं वो जब कथा करती है ना, लोग सुन दग रह जाते हैं। इसलिए सचमुच से हमारे जो गुरुदेव है ये स्पर्श मणि थे, इनके संस्पर्श में जो आए ना गुरुदेव सबके सब उन्होंने सबके सब सोने बने बना कर चले गए।